आज के वीडियो में गाइज हम लोग यहाँ पर क्वांटिटी सर्वे में यूज होने वाले QS में यूज होने वाले जो फॉर्मूला होते हैं उन सबको आज हम लोग देखने वाले हैं। कंस्ट्रक्शन साइट पे जाओगे तो आपको कदम कदम पे कुछ ना कुछ निकालना ही पड़ता है। जैसे कुछ भी ब्रिक का क्वांटिटी हो गया, उसका कॉन्क्रीट वॉल्यूम कैसे निकालते हैं हम लोग, अगर ये एरिया अगर स्क्वायर नहीं है, ट्रेपेज़ॉइडल नहीं है, हेक्सागन नहीं है, अलग अलग शेप में है तो उसको कैसे निकालोगे, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग चीज़ें कैसे निकालोगे, हर कदम पे आपको कुछ ना कुछ फॉर्मूला यूज करना पड़ता है और कुछ आपको निकालना ही पड़ता है। और इंटरव्यू में जाओगे तो ये तो बहुत बड़ा चीज है, क्योंकि आप कुछ भी आपको बोल देगा, ये निकाल के बताओ, वो निकाल के बताओ, तो कैसे निकालोगे? जब तक आपको फॉर्मूला ही पता नहीं होगा आप कैसे निकालोगे सब चीज। तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है और बहुत ज्यादा सबसे काम की बात इंफॉर्मेटिव होने वाला है। इंटरव्यू में यहां से सवाल नहीं पूछे ऐसा नहीं हो सकता। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लास्ट वाला तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिलिंग हो गया, QS हो गया, हर एक चीज में आज वाला BBS हो गया, आज वाला जो टॉपिक है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप एक सेकंड भी स्किप किए हुए बिना पूरा देखिएगा। तो आज के वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास को देखने वाले हैं जो कि कंस्ट्रक्शन साइट पे हम लोग यूज करते हैं हर कदम कदम पे। जो साइट पे काम करवाते हैं उन लोगों के लिए तो रामबाण होने वाला है ये वीडियो। तो मैं हूं सिविल इंजीनियर मुकेश और मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी में। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करेगा। तो गाइस चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का सबसे पहला सवाल आप लोग के लिए जो कि बेसिक है एकदम, नंबर ऑफ ब्रिक कैसे निकालते हो? अगर आप अपना घर बना रहे हो या कंस्ट्रक्शन साइट पे हो, आपको बोल दिया गया कि इस बिल्डिंग के लिए ब्रिक वर्क के लिए आपको ईटा मंगवाना है, तो आप कैसे मंगाओगे? आपको तो ईटा निकालना पड़ेगा ना, आपको ब्रिक निकालना पड़ेगा कि कितना ईटा आपका लग सकता है। तो उसका क्या फॉर्मूला होता है देख लीजिए, नंबर ऑफ ब्रिक का वॉल्यूम ऑफ वॉल बाय वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक विद मॉर्टर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, छोटा सा एग्जांपल मैं बता देता हूं आपको। तो यहां पे आप देख लीजिए, ये दीवार है मेरा, इस दीवार में मेरा कितना ईटा लगने वाला है ये आपको समझना है। तो ऐसे मान लीजिए आपका 10 मीटर है और ऐसे भी आपका 10 मीटर है। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए वॉल्यूम ऑफ वॉल निकालना है। तो इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, इसका वॉल्यूम आपका निकल जाएगा 10 बाई 10, जो भी आपका लेंथ रहेगा, जो भी आपका ब्रेथ रहेगा, उसको आप क्या कीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, और इस वॉल का कितना थिकनेस है, कितना मोटा हम लोग करने वाले हैं उससे भी मल्टीप्लाई करना है। तो मान लीजिए इसका थिकनेस जो है वो हम लोग रखते हैं 8 इंच, यानी कि 0.2 मीटर। ठीक है, तो इसको 0.2 मीटर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, सब मीटर में है ना, 10 मीटर 10 मीटर और ये 0.2 मीटर, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, देखिएगा एक ये आंसर आएगा एम क्यूब में। ठीक है, ये आंसर आ गया एम क्यूब में। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक विथ मॉर्टर। एक ब्रिक का सबसे पहले साइज जान लीजिए क्या होगा। तो जो मॉड्यूलर ब्रिक होता है उसका जो साइज होता है वो होता है 190 mm, ये लेंथ हो गया, इसका हाइट होगा आपका 90 mm, और ये विड्थ है ये भी आपका 90 mm, ये मॉड्यूलर साइज का ब्रिक है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको तो ब्रिक का साइज जो है वो पता होना है। यहाँ से आप क्या करोगे, इसमें आपको मसाला खिलाना है, मतलब देखिए यहाँ बोल दिया है वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक विथ मॉर्टर, ये तो सिर्फ ब्रिक हो गया, इसके साथ अगर मॉर्टर अगर ऐड करोगे तो इसमें आपका 10 mm ऐड हो जाएगा, 10 mm हम लोग मॉर्टर पकड़ लेते हैं, इसमें आपका 10 mm ऐड हो जाएगा और इसमें भी आपका 10 mm ऐड हो जाएगा। अब ये कितना बन गया, ये 100 mm बन गया, ये 100 mm बन गया, ये 200 mm बन गया। अब इसका आपको वॉल्यूम निकालना है, तब ये हम लोग बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक विथ मॉर्टर। तो वॉल्यूम इसका क्या निकलेगा, इसका आपका हो जाएगा, ये आपका हो गया 200 ना, 190 प्लस 10 मतलब 200 मतलब 0.2, ठीक है, इनटू ये आपका 100 मतलब 0.1, ये भी आपका 100 यानी कि 0.1, इसको आप मल्टीप्लाई करके आंसर निकालिए, ये आपका एम क्यूब में आएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये वाला आंसर को ऊपर डाल देना है और ये वाला आंसर को नीचे डाल देना है, डिवाइड कर दीजिएगा, जितना भी आएगा वो देखिएगा आपका यहाँ पर नंबर्स में आएगा, वो ये आएगा आपका नंबर्स में, और यही आपका नंबर ऑफ ब्रिक निकल के आ जा रहा है। समझ में आ गया, बहुत ही आसान है, इतनी आसानी से। इसके बाद आप अपना वेस्टेज पकड़ लीजिए। तो इस तरीके से हम लोग नंबर ऑफ ब्रिक निकाल लेते हैं इस फॉर्मूला की मदद से। चलिए नेक्स्ट जो फॉर्मूला है उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैंने यहाँ पे कवर किया है वो है आपका वॉल्यूम ऑफ स्लम्प कोन। वर्किबिलिटी मेजर करने के लिए हम लोग एक टेस्ट करते हैं जो कि है स्लम्प कोन मेथड। ठीक है, स्लम्प टेस्ट की मदद से हम लोग वर्किबिलिटी तो निकाल लेते हैं,
लेकिन उस स्लंप कोन का, उस स्लंप मोल्ड का अगर मैं आपको वॉल्यूम निकालने के लिए बोल दूं, क्योंकि कॉन्क्रीट उसके अंदर में फिलअप करना है, तो आपको पता होना चाहिए ना कि कितना कॉन्क्रीट लगेगा उसके लिए। तो कॉन्क्रीट वॉल्यूम अगर निकालने के लिए आपसे इंटरव्यू में बोल देता है तो कैसे निकालोगे? तो देख लीजिए, वॉल्यूम ऑफ स्लंप कोन, ये स्लंप कोन है एक्चुअली, इस शेप को कहा जाता है टेक्निकल टर्म में, ये अभी इंटरव्यू में पूछा जाता है, इसको फ्रस्टम कहा जाता है, ठीक है, ये फ्रस्टम शेप का है। तो वॉल्यूम ऑफ ये फ्रस्टम का कैसे आप वॉल्यूम निकालोगे? देखिए ये फॉर्मूला होता है पाई एच बाई थ्री आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर। सबसे पहले समझते हैं इसका डायमेंशन हम लोग। ये एक्चुअली में मैं आपको ऐसे दिखाया हूँ इलिप्स टाइप का, लेकिन ये इलिप्स शेप में थोड़ी होता है, ऊपर से जब देखेंगे तो वो गोल होता है, ठीक है, गोल होता है। तो उसका जो डाया होगा ऊपर वाला, ये होता है आपका 100 mm का, यानी कि 0.1 मीटर का, ठीक है। नीचे वाला जो ये डाया निकलता है, ये निकलता है आपका 0.2 मीटर का, यानी कि 200 mm का। और जो हाइट इसका होता है ना, ये जो हाइट आपका होता है इस फ्रस्टम का, ये होता है आपका 0.3 मीटर, यानी कि 300 mm का। तो इसका अगर कॉन्क्रीट वॉल्यूम निकालना है तो कैसे इस चीज़ को इसमें डालेंगे? यही तीन चीज़ चाहिए, बस इस फॉर्मूला में बैठा दीजिए। देखिए पाई का वैल्यू कितना होता है, कांस्टेंट वैल्यू 3.14, हाइट मेरा यहाँ पे कितना है देख लीजिए 0.3 बैठा दीजिए, डिवाइडेड बाई 3 कर दीजिए। आर स्क्वायर, आर मतलब कैपिटल आर है, तो बड़ा वाला जो सर्कल है ना उसका आपको रेडियस मानना है। तो ये तो डायमीटर है मेरा, ये डायमीटर है, हम लोग को रेडियस लेना है, तो डाया का आधा कर दीजिएगा तो रेडियस हो जाएगा। तो 0.2 का आधा कितना हो जाएगा 0.1, इसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्लस के बाद कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, कैपिटल आर तो अभी मैंने देख लिया ये वाला है, मतलब इसका आधा जो होगा रेडियस, मतलब 0.1 इंटू स्मॉल आर, मतलब ऊपर वाला। तो ये डाया है, इसका आप रेडियस कीजिए, इसको डिवाइडेड बाई 2 कीजिएगा तो आपका रेडियस निकल के आ जाएगा। तो ये आपका आएगा 0.05, ठीक है। अब प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर 0.05 का स्क्वायर, ठीक है, बस इसको कैलकुलेशन कर दीजिए, जो भी आपका आंसर आएगा इतना क्यूबिक मीटर एम क्यूब में आपका आएगा, वही आपका वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम होगा, वॉल्यूम ऑफ स्लंप कोन होगा। इतना सिंपल है, बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ कौन सा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। ये मैं और एक तरीके से निकाल सकता हूँ, वो फॉर्मूला को मैं नहीं बता रहा हूँ अभी, ठीक है, ये आसान है, यही बस याद रखिएगा। तो इस तरीके से हम लोग वॉल्यूम ऑफ स्लंप कोन को निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट फॉर्मूला जो आप लोग को बहुत ज्यादा यूज करना पड़ता है, स्पेशली जब बार बेंडिंग शेड्यूल करते हैं तो हम लोग को करना ही करना है, वो क्या है आपका यूनिट वेट ऑफ स्टील, ठीक है। हम लोग स्टील का वेट जो निकालते हैं वो किस फॉर्मूला से निकालते हैं, दो यूनिट में आपको बताता हूं। एक फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं डी स्क्वायर बाई 162, टू बी एन एग्जैक्ट 2.9 होता है, 162.29, लेकिन इसको हम लोग ओमिट कर देते हैं, इतना हम लोग डी स्क्वायर बाई 162 जो जनरल लोग यूज करते हैं वो बता रहे हैं, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो ये कौन सा आंसर देता है, ये आपको देता है केजी पर मीटर में, ठीक है। और एक फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं वो होता है आपका डी स्क्वायर बाई 533, ये आंसर आपको देता है केजी पर फीट में, ठीक है। चलिए समझते हैं इसका मतलब। मान लीजिए आपके साइड पे एक सरिया है, यूनिट वेट का मतलब क्या है, यूनिट वेट का मतलब एक मीटर का, ठीक है, ये मतलब एक मीटर का स्टील आपको दे रहा है। तो एक मीटर का स्टील का वजन आप निकाल सकते हो इस फॉर्मूला से, एक मीटर का यूनिट वेट मतलब एक मीटर, ठीक है। तो मान लीजिए एक सरिया है यहाँ पे 8 mm सरिया, ठीक है, ये 8 mm का, ये एक मीटर का सरिया है, और डाया कितना है इसका 85, यानी कि 8 mm का है, 8 mm का है। तो ये स्टील हम लोग काट के ले गए और उसका वजन निकालना है, तो कैसे निकालोगे, हम लोग इस फॉर्मूला में डाल देंगे। यहाँ पे जो ये डी देख रहे हो, ये डी देख रहे हो ना, ये दोनों ही डी आपका मिलीमीटर में रहेगा हमेशा। आंसर भले आपका केजी पर मीटर में दे रहा है, केजी पर फीट में दे रहा है, लेकिन यहाँ पे डी जो होगा वो ऑलवेज आपका मिलीमीटर में होता है। तो यहाँ पे चलिए 8 mm का मान लीजिए सरिया हम लोग को निकालना है, तो कैसे निकालोगे, डी स्क्वायर मतलब 8 mm का है ना, तो 8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 162 कर दोगे तो आपका आएगा 0.395। ये कितना है, इतना केजी पर मीटर, मतलब एक मीटर सरिया का वजन जो है वो कितना केजी होगा, 0.395 केजी होगा, ठीक है, क्लियर हो गया। लेकिन वही मान लीजिए हम लोग को एक फीट का वजन निकालना है, तब हम लोग इस फॉर्मूला से यूज करेंगे, मतलब 8 का स्क्वायर 533, ये जो आंसर देगा ना, ये आपका देगा इतना केजी पर फीट, मतलब एक फीट का आंसर। मान लीजिए आपका 10 फीट स्टील है, एक फीट का तो निकल गया यहां से, इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो 10 फीट का निकल जाएगा, मतलब ये फॉर्मूला आपको देगा एक फीट का या कि एक मीटर का, उससे आप लोग को अलग अलग मीटर के लिए निकालना है या अलग अलग फीट के लिए निकालना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, देख लीजिए इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हम लोग यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे, वो है आपका ट्रेपेजॉइडल फुटिंग कॉन्क्रीट वॉल्यूम, ठीक है। इस टाइप का फुटिंग देखते हो साइट पे, जैसा फोटो में आप देख पा रहे हैं, इस टाइप का फुटिंग का जो वॉल्यूम है ना वो कैसे निकालते हैं, तो ये फॉर्मूला है L into B into H plus H by 3 A1 plus A2 plus
होल रूट ए वन ए टू। अब समझते हैं क्या है एल इंटू बी इंटू एच क्या है। ये वाला जो फॉर्मूला आ रहा है ये नीचे वाला पार्ट है, इसका वॉल्यूम है, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये ऊपर वाला पार्ट टू का वॉल्यूम है। तो अगर इसको मैं खोल के बाहर निकालूँ तो ये कैसे आ जाएगा, ये देखिए इसका थ्री डी में अगर बनाऊँ तो इस तरीके से बनेगा। ये नीचे वाला बेस एक नंबर को मैं खोल के थ्री डी में बना दिया, इसमें मान लीजिए ये वाला मेरा एल है, ठीक है, ये वाला ब्रेथ है और ये वाला मेरा हाइट है, यहाँ हाइट पकड़ा है ना, ठीक है, ये हाइट है। तो इस तरीके से ये लंबाई मान लीजिए 2 मीटर है, ये मान लीजिए 1 मीटर है और ये हाइट मान लीजिए 600 है, यानी कि 0.6 मीटर। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, एल इंटू बी इंटू एच कर दीजिएगा तो ये पार्ट निकल जाएगा। अब इसमें ऊपर वाला पार्ट को जोड़ना है, ये वाला, ठीक है। तो ये देखिएगा चारों तरफ से ऐसे ऐसे शेप में रहता है, मतलब ऊपर से ऊपर का जो एरिया है ये ऊपर में अगर आप देखोगे ऊपर से तो ये इस तरीके का दिखेगा आपको, स्क्वायर टाइप का, ठीक है। उसी तरीके से इस जंक्शन पे मैं यहां तक तो निकाल लिया, अब ये वाला सिर्फ निकालना है ना, तो इसका भी आपको हाइट देखना है। ये वाला रहेगा एच, सिर्फ ऊपर वाला पार्ट का एच है, वही मैंने यहाँ पे एच में बैठाया है। और ये ए टू और ए वन क्या है, ये जब ऊपर से देखोगे तो इस सरफेस पे आपको एक तो ऐसा स्क्वायर दिखेगा, इसका आपको एरिया निकालना है। मान लीजिए ये 0.3 मीटर बाई 0.3 मीटर है, तो 0.3 × 0.3 करोगे वो एरिया आपका निकल जाएगा। पहले सबसे ऊपर वाला ये बेस का एरिया निकालना है, ये एरिया निकालना है, ठीक है। जब ऊपर से देखते हो इस लेवल पे, यहाँ पे ये ऐसे बन के दिखेगा, तो इसका एरिया आपको निकालना है। मान लीजिए लेंथ ये है, ब्रेथ ये है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका एरिया निकल जाएगा ए वन। अब ए टू कौन सा एरिया है, इस लेवल पे जो एरिया बनता है। ऊपर से जब दिखेगा तो यहाँ भी तो आपको एक दिखेगा ना चारों तरफ से गोल, क्योंकि ये चीज किस पे बैठा हुआ है, इस पे बैठा हुआ है, इसी के ऊपर में तो बैठा हुआ है ना, इसी के ऊपर में बैठा हुआ है, समझ में आ रहा है ना। ये देखिए इसके ऊपर में ही बैठा हुआ है, इसके ऊपर में। तो ये वाला एरिया तो हम लोग निकाल लिए, ये वाला एरिया हम लोग निकाल लिए, अब हम लोग को ये वाला एरिया निकालना है इस बेस का। तो यहाँ पे जो भी आता है उसका एल इंटू बेच करके निकाल लीजिएगा, ये वाला एल और ये बी, जो भी मल्टीप्लाई करके एरिया आएगा वो आपका ए टू हो जाएगा। तो बस ए वन ए टू बैठा दीजिए, यहाँ पे भी ए वन इंटू ए टू कर दीजिए, उसका रूट निकाल के बैठा दीजिए, पूरा कैलकुलेशन कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा इसका वॉल्यूम कैसे निकालता है। अगर आपको डिटेल में जानना है ना, अभी मैं आपको जितना भी फॉर्मूला बना रहा हूँ इसको अगर डिटेल में समझना है एक केस स्टडी को लेके, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये मैंने हर एक फॉर्मूला के लिए एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो जाकर देख लीजिए, आपका सारा कैलकुलेशन क्लियर हो जाएगा, एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा, आईएएस कोड से समझ में आ जाएगा, सब चीज समझ में आ जाएगा। तो पहले ये तो फॉर्मूला जस्ट बनाना हो, लेकिन डिटेल में जानना है तो वो वीडियो सब जाकर देखिएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा हर एक फॉर्मूला का, जो मैं बता रहा हूं हर एक फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। चलिए ये हो गया मेरा ट्रेपेजॉइडल फुटिंग कंक्रीट वॉल्यूम। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो है आपका वेट ऑफ स्टील प्लेट। आप कंस्ट्रक्शन साइट पे जब स्ट्रक्चर का काम करवा रहे हो, स्टील स्ट्रक्चर का, तो वहां पे आपको फैब्रिकेशन वगैरह करनी पड़ती है, और उसके बाद आपको उसका बिलिंग भी करना पड़ता होगा। तो बिलिंग में हम लोग जो वेट का जो पैसा पेमेंट करते हैं वो केजी में कितना वेट है उसका, उसके ऊपर डिपेंड करके हम लोग उसका पेमेंट करते हैं। तो उसका वजन आपको निकालना आता है ना, वो तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो उसका फॉर्मूला होता है आपका, हम लोग कैसे कंस्ट्रक्शन साइट पे निकालते हैं वेट ऑफ स्टील प्लेट, ये होता है आपका वॉल्यूम इंटू डेंसिटी करके। एक्चुअली में ये जो निकल रहा है ना, ये आपका निकल रहा है मास, हम लोग जो वेट बोल रहे हैं एक्चुअली में ये निकल रहा है आपका मास, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली में जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है D इज इक्वल टू एम बाई बी, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, मास निकाल रहे हैं, मास, जब मास निकालेंगे तो D इंटू वी हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, वही देखिए D इंटू वी है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मैंने यहाँ पकड़ा है ये फॉर्मूला को। तो एक्चुअली में हम लोग मास निकाल रहे हैं, इसी के वजह से हम लोग पेमेंट करते हैं। तो मान लीजिए कोई प्लेट है, यहाँ पे एक प्लेट है, इसका काम आया, ठीक है, ये प्लेट है, तो सबसे पहले आपको इसका लेंथ देखना होगा, ये ब्रेथ देख लेना होगा, और ये थिकनेस देख लेना होगा कि ये कितना का है, 10 mm का है, 8 mm का है, 6 mm का है, जो भी है, हम एग्जांपल के लिए भी मान लेते हैं ये आपका जो थिकनेस है ये आपका है 0.01 मीटर, यानी कि ये आपका हो गया 10 mm, ठीक है, 10 mm। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, वॉल्यूम निकालना होगा इसका। तो वॉल्यूम कैसे निकलता है, एल इंटू बी इंटू एच कर दोगे तो ये वॉल्यूम निकल जाएगा, ठीक है, एल इंटू बी इंटू एच, मतलब ये 5 मीटर 4 मीटर जितना भी लंबा हो गया, चौड़ा हो गया 1 मीटर, जो भी हो गया वो आप कर दीजिएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई, और हाइट मतलब ये थिकनेस ले लीजिएगा, तो अगर सब मीटर में ले रहे हो तो ये भी वाला मीटर में ले लीजिएगा, इनटू डेंसिटी ऑफ स्टील करना है। डेंसिटी ऑफ स्टील होता है 7850 इतना केजी पर एम क्यूब, तो 7850 आपको लेना है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, लास्ट में जो भी आंसर आएगा वो आपका केजी में आ जाएगा, इतना केजी आपको उसका पेमेंट करना होगा। इस तरीके से हम लोग स्टील प्लेट का जो वजन है ना वो निकाल लेते हैं, एक्चुअली में मास निकालते हैं। तो इस तरीके से हम लोग स्टील
प्लेट का जो हम लोग व्यंजन है ना वो निकालते हैं। ठीक है, वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, और भी सारे फॉर्मूला है, उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर करने वाला हूँ। आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके और लाइक करके मुझे जरूर बताइएगा, और ऐसे वीडियो अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मैं और भी बनाऊँ। मुझे पता चले आप लोग को ये सब वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर इन सभी पे आपको डिटेल वीडियो देखना है, इसी वीडियो के आप कमेंट सेक्शन में चले जाइए, आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगी, हर एक पार्ट का अलग अलग बना हुआ, जिसमें मैंने डिटेल में सब चीज़ समझाया है। ठीक है, तो जाकर उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा ना, उसका नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिल जाया करेगा। गाइस आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।